हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक और छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे साथ नोएडा की रहने वाली बिस्वा, जो स्टूडेंट है, यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन इस वक्त वहां पर वो फंसी हुई हैं अपने दोस्तों के साथ। और सीधे वीडियो कॉलिंग में हमारे साथ बिस्वा जी मौजूद हैं। बिस्वा जी, इस समय वहां पर क्या हालात हैं यूक्रेन में? अभी यहाँ पे पैनिक के ही हालात हैं, सब बहुत डरे हुए हैं, सब फटाफट बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, स्टॉक रख रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं? हम लोग भी अभी ट्रैवल करके अपनी यूनिवर्सिटी आए हैं। अभी मैं चन्नीवस्ती रीजन में आ गई हूँ, जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ के लिए निकले हुए थे? हम कीव के लिए निकले हुए थे, फ्लाइट थी हमारी कीव में, एयर इंडिया, 24 फरवरी को। जी जी, तो क्या वो कैंसिल हो गई है? हाँ, वो कैंसिल हो गई थी, क्योंकि 24 को सुबह सुबह ही 5 बजे हमला किया था पुतिन ने, तो कैंसिल हो गई थी। तो इस वक्त आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी मौजूद हैं जो इंडियन हैं, जो आपके साथ निकले हुए थे फ्लाइट लेने के लिए, लेकिन अब फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बिस्वा जी के साथ जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं, और वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ कितने भारतीय स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं। लगभग कितने स्टूडेंट मौजूद हैं बिस्वा जी आपके साथ? दो बसेस हैं हमारी, दो बसेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप सभी लोग सुरक्षित विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं? हाँ, हम सब सेफ हैं और वेट कर रहे हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस का। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाएं कि क्या हालात हैं बाहर, किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या स्थिति है। बाहर नॉर्मल ही आप देख सकते हैं, लेकिन सब कुछ बंद है अभी। जी जी, ये कौन सा इलाका है बिस्वा जहां की तस्वीरें आप दिखा रही हैं? वेस्टर्न यूक्रेन है। हम चाहेंगे थोड़ा तस्वीरें दिखाते हुए उनके बारे में भी बताएं कि ये कहां की तस्वीरें हैं और क्या हालात हैं वहां पे। ये वेस्टर्न यूक्रेन है, बुकोविंस्का रीजन में आता है ये, चन्नीवत्सी। जी जी, यहाँ ही मेरा यूनिवर्सिटी है और यहाँ लोग बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, बट है थोड़े डरे हुए हैं, तभी उन्होंने अपना सारा कुछ स्टॉक रख लिया है। जी, लेकिन एज सच जैसे जितना कीव में देखने को मिला था उतना यहाँ नहीं है, क्योंकि पहले रशिया कीव और ईस्टर्न में ही करेगी, उसके बाद वेस्टर्न तक आई। जी जी जी, आप देख सकते हैं नॉर्मली है अभी यहाँ। कुछ लोग बाहर सड़कों पर नजर भी आ रहे हैं, गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, तो ताजा हालात क्या हैं? क्या वहां पर सेना मौजूद है या फिर वहां का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि कुछ सैनिक भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में? हाँ हाँ, देख रहे हैं, पुलिस है ये। जी, वो बस नजर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वो देख रहे हैं कि आगे कुछ ना हो। अच्छा, आप सभी लोग सुरक्षित हैं? हाँ जी, हम सब सुरक्षित हैं। आप लोगों की इंडियन एम्बेसी से कोई बातचीत हुई? क्या बताया उन्होंने हालात के बारे में, क्या बताया आप लोगों को यहाँ से निकालने के बारे में, क्या बताया? कॉल पे तो बात नहीं हुई, बट हाँ वो ट्विटर पे अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली कि हाँ हमारा इवैक्यूएशन कराएंगे, और पहले वेस्टर्न यूक्रेन का ही इवैक्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं वो, उसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन का करेंगे, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे ज्यादा पास हैं, तो होपफुली हम लोगों का पहले स्टार्ट होगा। तो बिस्वा जी, अगर बात करें तो जो इंडियन एम्बेसी है वो भी आप लोगों के कॉन्टेक्ट में है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए, और क्या एम्बेसी ने ये बताया कि आप लोगों को यहाँ से कब निकाला जाएगा और आप लोग कहाँ पर रहें, खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहां पर? खाने पीने की तो इन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, वो हमें खुद ही देखना है। बाकी इवैक्यूएशन जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारे एजेंट है
जो हेड है हमारा, जो सबको संभालते हैं, इंडियन है वो। तो यानी आप देख सकते हैं कि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी हाँ लगातार बनी हुई है। यही वजह है कि बार बार जो हमारी कनेक्टिविटी है वो भी कट रही है। बिस्वा जी, हम आपसे चाहेंगे कि जो वहाँ पर आपके साथ मौजूद भारतीय स्टूडेंट हैं उनसे भी बात कराएं कि क्या हालात हैं, वो लोग किस तरीके से महसूस कर रहे हैं वहाँ के हालात को लेकर के, और क्या कहना चाहते हैं भारत सरकार से। वो लोग ऑलरेडी अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, बट आई विल ट्राई। जी नहीं, वो लोग ऑलरेडी अच्छे फोन कॉल पे हैं तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं और उन हालातों को लेकर के क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार से। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी जल्दी इवैक्यूएशन करा दे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे पैनिक में हैं, पढ़ाई भी तो नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इट्स बेटर कि अपने कंट्री में सेफ जाए, क्योंकि हमसे ज्यादा पैनिक पेरेंट्स हैं। बिस्वा जी, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस चीज की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई थी। एमबीबीएस MBBS की। क्योंकि लगभग जो भी स्टूडेंट वहां पर मौजूद हैं उनमें अधिकांश जो है वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ही स्टूडेंट गए हुए हैं, तो आपके साथ लगभग कितने इंडियन स्टूडेंट हैं इस वक्त मौजूद। मेरी बस में 60 स्टूडेंट्स हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं लगभग इंडियन। मेरी यूनिवर्सिटी में अप्रोक्सीमेटली 3,000 इंडियन स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा, लगभग 3,000 स्टूडेंट हैं। तो क्या कोई स्टूडेंट अभी तक वहां से भारत के लिए निकला है या सभी लोग अभी फंसे हुए हैं। नहीं, काफी निकल गए हैं, जिनकी 22, 23 को फ्लाइट थी वो सब निकल गए हैं। हमारी 24 की थी तो हम लोग अटक गए। कईयों की सैटरडे को फ्लाइट थी, 27, 28, उन सब किसी की फ्लाइट सबकी कैंसिल हो गई, तो अब सब इवैक्यूएशन पे ही डिपेंडेंट है। अगर बिस्वा जी बात की जाए तो वहां के प्रशासन का क्या रवैया है इंडियन स्टूडेंट को लेकर के, इंडियन नागरिक को लेकर के। यहाँ के प्रशासन स्टार्टिंग में तो उनको कुछ पता ही नहीं था, अभी वो इंडियन जी एम्बेसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, दैट इज गुड। वो कोऑपरेट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को। तो क्या इंडियन एम्बेसी ने कोई मैसेज आप लोगों को सर्कुलेट किया, क्या बताया कि कब तक आप लोगों को यहां से निकाला जाएगा, तब तक आप लोग कहाँ रहें, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, आप लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि लगातार बस में ट्रेवल कर रही हैं बिस्वा जी, इसलिए जो नेटवर्क कनेक्ट की बात की जाए तो वो भी बार बार बीच में टूट रहा है, लेकिन हम लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यूक्रेन में किस तरीके के हालात हैं। हमने आपको ताज़ा तस्वीरें भी दिखाई और वहाँ पर मौजूद छात्रों से बात भी की और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ का प्रशासन स्टूडेंट के साथ किस तरीके का कॉपरेट कर रहा है, जो इंडियन एम्बेसी है वो क्या कह रही है छात्रों से, और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद छात्र हैं वो भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भारत सरकार है वो वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश करे, क्योंकि जो छात्र हैं, जो नागरिक हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भारतीय नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, वो सुरक्षित हैं, इनकी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। कुछ भारतीय स्टूडेंट वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं और वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, क्योंकि वहां पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले पल किस तरह के होंगे, हालात और बद से बदतर होंगे या फिर स्थितियां सुधरेंगी। साथ ही मार्केट बाजार सब कुछ बंद है, ऐसे में खाने पीने की चीजों की भी किल्लत धीरे धीरे शुरू हो गई है, और खास तौर से अगर हम बात करें गैस की तो गैस कनेक्शन भी
रसिया से ही वहां पर लिया गया है। ऐसे में अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरते हैं तो गैस की किल्लत भी वहां पर बढ़ सकती है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो वहां पर छात्र या भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं वो बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार भारत सरकार किस तरह से अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालती है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।